और रविवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। दिल्ली में हुई ये बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिस तरह प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, उससे माना जा रहा है कि उनका सियासी कद काफी बढ़ गया है। इसी पर एक रिपोर्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी खास रही। एक तरफ जहां अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए, वहीं योगी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जहाँ अगले साल चुनाव होने वाला है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल, हिमाचल के जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य सभी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंग में शामिल हुए थे। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना और अहम प्रस्ताव का पेश करना अहम संदेश देता है। यही नहीं, बैठक में भी वो अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के साथ पहली कतार में बैठे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जीत हासिल करना भाजपा के लिए बेहद अहम होगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिए जाने से भाजपा ने संकेत दिया है कि यूपी और योगी उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को सबसे अहम माना जाता है और इसे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की ओर से ही पेश किया जाता रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ये मौका मिलने से पता चलता है कि उनका कद भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव में पार्टी के भविष्य की राजनीतिक योजनाओं और विजन के बारे में जानकारी दी जाती है। बता दें, भाजपा की 2017 और 2018 में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इन प्रस्तावों को पेश किया था। इस बार योगी आदित्यनाथ को मौका दिए जाने से ये साफ हो गया है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उनकी शानदार उपलब्धियों को सराहा है। कोरोना काल में किस तरह से योगी ने काम किया था, चाहे वो प्रवासी मजदूरों की मदद की बात हो या फिर गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने का मसला हो या फिर कोरोना में खुद फ्रंट फुट पर आकर उनके काम करने का तरीका हो, इससे वैश्विक स्तर पर योगी के काम को सराहा गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां से लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कद में इजाफा करना भाजपा की रणनीति भी हो सकता है ताकि यूपी में उन्हें अहम चेहरे के तौर पर पेश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।